Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So as you can see from the title itself, कि आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, that is the most important questions of the last lesson. So ऐसे students भी होंगे जरूर जिनको स्टोरी के बारे में कुछ नहीं पता होगा. So it's my request, पहले तो आप जाके स्टोरी को समझ लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. जिनको ऑलरेडी स्टोरी के बारे में सब कुछ पता है, आप कंटिन्यू कर सकते हो वॉच करना इसको यहाँ से. ठीक है, पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या आपको ये सारे आंसर्स लर्न करने हैं. आंसर इज अ बिग नो गाइस. I'm not asking you to learn all these answers. ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ. Now why I'm saying so कि आपको ये NCERT के terms लिखने हैं, जो जो lines important थी उसकी practice करनी है, बहुत बार practice करनी है, एटलीस्ट एक बार तो करनी करनी है. ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, CBSE ना जितने भी examiners होते हैं उनको एक answer sheet दे देते हैं. अब answer sheet में direct answer नहीं लिखा होता, उसमें value points लिखे होते हैं कि अगर ये point बच्चे ने mention करा है, grammar सही है, spelling सही लिखी हुई है, सब कुछ सही लिखा है, तो उसको marks दे दो. ठीक है, इस तरीके से रहता है. सो वॉट आई वॉन्ट इज कि जब आप आंसर लिखो तो देखो NCERT के हिसाब से ही सारे पॉइंट्स होने चाहिए, तो NCERT के हिसाब से मेन मेन पॉइंट्स लिखो. अब यहाँ पे कुछ लोग को लगेगा कि मैं कह रही हूँ NCERT की लाइंस को लर्न कर लो. मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, आप अपने मर्जी से लिख सकते हो, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, देर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट. बट द मेन थिंग इज कि जब आप अपने वर्ड्स में लिख रहे होगे तो कुछ कुछ टर्म्स जो NCERT के हैं उसको मेंशन करना ज़रूरी है. ठीक है, क्योंकि अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, उसको उस वैल्यू पॉइंट से आपके आंसर मैच करते हुए दिखेंगे, एटलीस्ट वो टर्म्स दिखेंगे ना, 200% आई एम श्योर कि वो आपके मार्क्स कट ही नहीं कर पाएगा. ठीक है, सो हमें क्या कोशिश करनी है कि बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना अपने एग्जाम के लिए. अभी जो मेहनत कर रहे हैं वो सब बोर्ड्स के लिए कर रहे हैं. ओके, सो कमिंग टू दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके काफी पार्ट्स होने वाले हैं. ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारे पार्ट्स को अच्छे से देखना है, समझना है, वैल्यू पॉइंट्स को ध्यान रखना है और एक बारी प्रैक्टिस करनी है. ओके, एटलीस्ट है उसके साथ आप कर सकते हो, वेल एंड गुड, इट्स फाइन. जो मेन मेन पॉइंट्स जिसके ऊपर एग्जामिनर आपको नंबर देगा वो जरूर लिख कर आने हैं. ठीक है, अगर आपसे एग्जामिनर ए पूछ रहा है तो आप ए तक ही आंसर देकर आओ. ए टू जेड आंसर दे भी आओगे शॉर्ट आंसर में, एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन पे 100 मार्क्स नहीं दे रहा है, ये क्लैरिटी रख के जानी है आपको एग्जाम. सेकेंडली व्हाट आई वांट इज कि आप लोग यहाँ पे ये जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो एटलीस्ट एक बारी अपनी कॉपी में लिख कर देखना. अब वो चाहे आपका प्री बोर्ड्स में आप जाके इसको प्रैक्टिस कर लो, चाहे आप घर में प्रैक्टिस कर लो, इट डिपेंड्स ऑन यू. ओके, प्रैक्टिस जरूरी है, लिख कर एक बार करोगे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा. थर्डली, जब मैंने आप लोग को चैप्टर समझाया था तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हो गए, टर्म्स हो गए, वो मैंने अलग से टिक करवाए थे आपको, वो जरूर से जरूर आपको अपनी NCERT बुक में मार्क करना है कि एग्जाम के एक दिन पहले जब आप रिवाइज कर रहे होगे तो उन सब टर्म्स को कोशिश यही करनी है कि वो टर्म्स आपको एग्जाम में लिख कर आने हैं. गाइस, मैं आप पे गारंटी कर सकती हूँ कि इसके बियॉन्ड, ये जो सीरीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला है. ठीक है, मैं आप ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सब आपको सीरीज में मिल जाएंगे. सेकेंडली, जितने भी आपके NCERT के क्वेश्चंस हैं वो भी होंगे, एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी यहाँ पे मैंने इंक्लूड करे हैं, जैसे कि अगर आपका एग्जामिनर कोई भी हल्का सा भी डिफरेंट क्वेश्चन कर सकता है तो भी वो क्वेश्चंस आपके यहाँ पे मिल जाएंगे. बस डिफरेंस क्या हो सकता है कि थोड़ा सा वर्डिंग चेंज हो सकती है, लेकिन इसके बियॉन्ड क्वेश्चन बनेगा नहीं, इतना मैं आपको यहाँ पे गारंटी कर सकती हूँ. तो अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है, तो प्लीज डू लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन, सब्सक्राइब जरूर कर देना, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स. ओके, शेयरिंग इज केयरिंग इज़न्ट इट, सो प्लीज मेक श्योर कि शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है, अच्छा जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रही हूँ, ये आपके NCERT से भी लिए गए क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, बट ऑफकोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं इंक्लूड कराऊंगी इसमें. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वॉज द मूड इन द क्लास रूम व्हेन एम हेमल गेव हिज लास्ट फ्रेंच लेसन. तो जब एम हेमल ने लास्ट लेसन दिया तो क्लास का मूड कैसा था, ये क्वेश्चन उठ रहा है. तो देखो, जब भी आप आंसर करोगे ना, डायरेक्टली मत लिख देना कि द मूड इन द क्लास रूम वॉज, है ना, ऐसा कुछ नहीं लिखोगे. पहले बताओ कि जब मूड कैसा था, जब क्लास में सर लास्ट लेसन दे रहे थे. तो शुरुआत आंसर यहीं से करो, क्वेश्चन से लेकर, व्हेन एम हेमल वॉज गिविंग हिज लास्ट फ्रेंच लेसन द मूड इन द क्लासरूम वॉज सोलेम एंड सोम्बर. सोलेम मतलब होता है कि सब बच्चे ना सिंसियरली पढ़ रहे थे. सोम्बर मतलब यहाँ पे हो जाएगा बहुत डल सी क्लासरूम हो गई थी, क्योंकि सबके अंदर फीलिंग थी कि कल से नहीं पढ़ पाएंगे. तो इस तरीके से आपने एक लाइन में समझाया कि क्लासरूम का माहौल कैसा था. बट ऐसे में एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स नहीं देने वाला है, तो थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करना पड़ेगा. अब ऐसा क्यों हुआ कि लास्ट लेसन क्या था और लोगों का मूड ऐसा क्यों हुआ, अभी तक से मुझे इसका आंसर 100% नहीं मिला है, है ना. ये तो मुझे मिल गया कि कैसा मूड था, लेकिन क्यों था उसका आंसर अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में देते हैं. लिखा हुआ है, व्हेन ही अनाउंस्ड दैट दिस वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन. जब यहाँ पे एमएल ने अनाउंस करा
कि ये उनका अब देर क्यों लगा, क्योंकि सारे लोगों का था, अकेले फ्रांस का नहीं था। देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, एवरीवन प्रेजेंस इन द क्लासरूम सडनली डेवलप्ड पेट्रियोटिक फीलिंग। सबके अंदर जो है एक देशभक्ति जो थी वो जाग गई थी, पेट्रियोटिज्म सबके अंदर आ चुका था, ठीक है। एंड सबको जेन्युइनली रिग्रेट था कि उन्होंने अपनी मदर टंग को इग्नोर करा है। तो सबको जेन्युइनली रिग्रेट था कि काश अपनी मदर टंग को पढ़ सकते वो लोग, है ना, काश वो लोग ने पढ़ लिया होता और काश उन्होंने इग्नोर ना करा होता अपनी मदर टंग को। तो ऐसी ये फीलिंग थी क्लासरूम में सारे लोगों की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें पता चला कि मूड कैसा था और क्यों था और लोगों के अंदर एकदम सिंसियरिटी कैसे जाग गई थी। तो बट ऑफकोर्स इसका आंसर क्या था कि सबके अंदर एक पेट्रियोटिक फीलिंग आ गई थी अपनी नेटिव लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा को लेकर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आपका ओवर हो गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट हैड द नरेटर काउंटेड ऑन टू एंटर द स्कूल अननोटिस्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है कि जो नरेटर है, नरेटर कौन था, फ्रांस खुद था। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन ऐसे बन सकते थे कि फ्रांस का या तो डायरेक्टली नाम दे देते। अब एग्जामिनर को लगा यार इतना इजी तो बच्चे को समझ आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट करा जाए, इसलिए यहाँ पे उन्होंने नरेटर टर्म यूज़ कर दिया है। इससे घबराना नहीं है, क्वेश्चन वही है, जो फ्रेमिंग हो सकती है चेंज हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। द नरेटर फ्रांस हैड काउंटेड ऑन द हसल एंड बसल, ये जो टर्म था ये आपके एनसीईआरटी में यूज़ हुआ है, तो ये आप एग्जाम में लिख कर आओगे। ऐसे टाइप के वर्ड्स मैं आपसे कह रही थी लिखने को, कीवर्ड्स जिसे कहा जाता है, ठीक है। सो द फ्रांस ने क्या करा, काउंट करा किस पे, हसल बसल पे। दैट वॉज यूजुअल, जब स्कूल शुरू होता था ना तो इतनी शोर होता था कि फ्रांस आराम से क्लासरूम में आ जाता था। एंड ही कुड डिपेंड ऑन द कमोशन, कमोशन वही हसल बसल को यहाँ पे कहा गया है। तो यू कैन यूज दिस वर्ड एज वेल जब आंसर लिख रहे होगे, ठीक है। टू गेट टू हिज डेस्क विदाउट एनीबडी नोटिसिंग दैट ही वॉज लेट फॉर द क्लासरूम, ऑफकोर्स इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो सेकेंड क्वेश्चन का। ओके, कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, वॉट वॉज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर द स्कूल दैट डे। तो भाई क्या हुआ कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फ्रांस को किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी थी, किस चीज़ की तैयारी करनी थी उस दिन जब वो स्कूल जाने वाला था उससे पहले। सो आप लोगों को पता है कि फ्रांस उस दिन बहुत लेट हो गया था, है ना। सो फ्रांस हैड स्टार्टेड वेरी लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग, उस दिन, इस दिन नहीं उस दिन, तो दैट मॉर्निंग लिखा है। ही फियर्ड, देखो पास्ट में लिखा है, वो डर रहा था। फेसिंग हिज क्लास टीचर, जो कि कौन है, MML, ठीक है, एम के बाद डॉट लगा देना, काफी स्टूडेंट्स नहीं लगाते हैं, एग्जामिनर कट कर देगा मार्क्स आपके। आगे बढ़ते हैं, बिकॉज ही वॉज एक्सपेक्टेड, अब यहाँ पे बिकॉज थोड़ा सा ना स्मॉल में होना चाहिए था, सो इट्स बेटर नाउ। सो बिकॉज यहाँ पे कॉमा नहीं होगा गाइस, तो थोड़ा सा टाइपिंग एरर है विच यू कैन इग्नोर। सो बिकॉज ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद हिज ग्रामर लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि उसको किस चीज़ का डर था कि भाई इसको स्कूल में उसको डांट पड़ेगी। अब डांट क्यों पड़ेगी, क्योंकि उसने पढ़ा नहीं था। क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ा था, तो उसको ग्रामर लेसन नहीं आते थे, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ही डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उसको एक शब्द नहीं पता था उसके बारे में। सो उसको डर लग रहा था कि उसको डांट पड़ेगी, इसलिए जो है फ्रांस काफ़ी डरा हुआ था स्कूल जाने में, ही वॉज अफ्रेड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, ठीक है। तो इसमें एक और अगर क्वेश्चन बन जाता है कि वो क्यों अफ्रेड था स्कूल जाने में, तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हो कि भाई उसने पढ़ा नहीं था, उसको डर था कि उसके टीचर जो है उसको स्कोल्ड करेंगे, डांटेंगे, दैट्स व्हाई। ओके, व्हाट अनाउंसमेंट डिड MML मेक, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन फ्रांस, क्या अनाउंसमेंट जो है MML ने दी थी और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा फ्रांस पे। सो व्हेन MML डिक्लेयर्ड दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, अ ग्रिम रियलाइजेशन डॉन्ट ऑन फ्रांस दैट ही हैड सो मच मोर येट टू लर्न। तो अगर आप इस तरीके से आंसर दोगे, ट्रस्ट मी गाइस, एक मार्क्स भी निकट कर पाएगा एग्जामिनर आपका, इतना आसान तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा है, इतने आसान तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट करा गया है, चंद शब्दों में अच्छे से एक्सप्रेस करा गया, दैट्स ऑल। सो उसको एक रियलाइजेशन उसके ऊपर आ कि यार कितना कुछ तो लर्न करना रह गया फ्रेंच में, और उसे बहुत बुरा लगा कि यार उसने कितना समय अपना वेस्ट करा है। ही फेल्ट सॉरी, उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट था, बहुत बुरा लग रहा था, फॉर विलिंग अवे हिज टाइम, उसने अपने टाइम को ऐवे ही जाने दिया और अपने लेसन्स भी नहीं करता था। यहाँ पे आप एक और वैल्यू पॉइंट ऐड कर सकते हो इसमें कि वो कहाँ जाता था, ठीक है। तो वही कलेक्ट करना बर्ड्स एग्स को एंड गो स्लाइडिंग ऑन द सार, वो जो सार क्या थी, रिवर थी फ्रांस में। इस तरीके से आप पॉइंट को ऐड कर सकते हो, ठीक है। नाउ ही डिड नॉट वॉन्ट टू पार्ट विद हिज बुक्स विच ही हैड अर्लियर कंसीडर्ड अ न्यूसेंस। अब देखो न्यूसेंस शब्द जो था एनसीईआरटी में यूज हुआ है, तो अगर आप न्यूसेंस वर्ड वहाँ पे लिखते हो तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ के आओ, जबकि आपने नहीं पढ़ी है सही से, है ना। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आपको ये शो करना है कि आप सब पढ़ के जा रहे हो एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से, तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि अच्छे से लिख कर आने आंसर्स। सो नाउ ही डिड नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहता था कि वो बुक्स से दूर हो सके, जिसको वो न्यूसेंस समझता था कुछ समय तक, जो बैग उसको बहुत भारी लगता था, आज उसको वही अपने पुराने दोस्त लग रहे हैं।
तो यस, ये तरीके से आप पूरे आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ही वॉज डीपली पेन्ड एट द थॉट दैट MML वॉज लीविंग। उसका मन में ये भी थॉट आ रहा था कि यार मैं तो कल से टीचर से भी नहीं मिल पाऊंगा। तो ये सारी फीलिंग्स जो हैं आपको एक्सप्रेस करनी है जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ओके। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल। तो क्या क्या चेंजेस आए थे जो ऑर्डर आया था बर्लिन से। तो जो शॉकिंग ऑर्डर आया था वो क्या था। द शॉकिंग ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन सैडेंड एंड हर्ट द प्राइड ऑफ द फ्रेंच पीपल। So, as a gesture to express their solidarity for their language, the village elders also attended school for the last French lesson. The usual hustle and bustle was missing from the school and it was unusually quiet. MML was also dressed in his formal suit, which he wore only on special occasions. इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। अब यहाँ पे जरा मेन मेन पॉइंट्स में यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। तो शॉकिंग ऑर्डर क्या आया था कि अब से आपको सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। इससे टर्म यहाँ पे लिखा गया ओनली जर्मन। कहाँ पे, इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। लॉरेन की स्पेलिंग बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करता है, तो अगर आप उन स्टूडेंट में से हो दो चार बार प्रैक्टिस कर लेना लिखकर, ठीक है। इट्स डबल आर लॉरेन। लोगों को ये जो न्यूज़ थी ना बहुत ज़्यादा दुखी कर गई है ना। सो सैडेंड एंड हर्ट। किस चीज़ को हर्ट करा, लोगों की प्राइड को, क्योंकि उनको अब उनकी मातृभाषा ही नहीं बोलने दिया जाएगा, मदर टंग ही यूज़ करने नहीं दिया जाएगा। सो इसी कारण क्या हुआ, इस आप कह सकते हो कि एज अ रिस्पेक्ट सारे विलेजर्स जो थे वो आए थे क्लासरूम में। जो उस दिन का क्लासरूम का जो माहौल रहता था स्कूल का, हसल एंड बसल होता था, वो भी उस दिन नहीं था, सब कुछ शांत था। इनफैक्ट MML भी क्या थे, ड्रेस्ड अप होकर आए थे अपने फॉर्मल सूट में, जो कि सिर्फ वो ओकेशन पे ही पहनते थे, स्पेशल ओकेशंस पे। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो स्पेशल ओकेजन्स, इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज पे पहनते थे। तो आप इस तरीके से इस पूरे आंसर को दे सकते हो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ आया है कि किस तरीके से आप आंसर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना लिखकर, ठीक है। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। व्हिच वर्ड्स वर शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग फॉर फ्रांस। कौन से शब्द ऐसे थे जो शॉकिंग थे और सरप्राइजिंग थे फ्रांस के लिए। तो ये कुछ वैल्यू पॉइंट्स है जिसके थ्रू आप आंसर कर सकते हो। अगर आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इन वैल्यू पॉइंट्स को यूज़ करके, तो आप कमेंट सेक्शन में कर देना। जहाँ पे भी मिस्टेक होगी आपकी मैं आपको बता दूंगी। हालांकि अगर आपने सही लिखा होगा तो भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगी, ठीक है। तो देखते हैं वैल्यू पॉइंट्स क्या हैं। पहला, दैट वॉज MML's लास्ट लेसन। भाई थंडर क्लैप्स कौन से शब्द थे, ये इनका फ्रेंच का लास्ट लेसन है। इसके बाद से कभी भी ये लोग फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे, MML से नहीं पढ़ पाएंगे। ऑर्डर कहाँ से आया है, बर्लिन से आया है कि सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी और एक नए टीचर अपॉइंट करे जाएंगे जो कि जर्मन बच्चों को पढ़ाएंगे, वो भी नेक्स्ट डे से। तो टीचर क्या चाहता था कि प्लीज़ आप सब लोग आज के दिन एटलीस्ट आखिरी बार अटेंटिव हो जाओ। तो ये कुछ आप कह सकते हो कि एक तो शब्द क्या था जो सबसे ज़्यादा थंडर क्लैप दीज वर्ड्स, ये दीज वर्ड्स यहाँ पे क्या है, ये उनका। तो यहाँ पे थंडर क्लैप दीज वर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये दीज वर्ड्स बेसिकली क्या है कि ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है। तो लास्ट फ्रेंच लेसन है तो टीचर चाहते थे कि आप अटेंटिव रहो। इस तरीके से आप पूरा आंसर यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई डिड MML राइट विव ला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड। क्यों उन्होंने ऐसा लिखा। तो सबसे पहले तो अपनी पेट्रियोटिज्म के लिए, ठीक है, टू शो पेट्रियोटिज्म। अपनी आइडेंटिटी को गार्ड करने के लिए उन्होंने कहा कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, कि हम फ्रेंच पीपल हैं, ठीक है। To make Alsatians conscious about their native language as it was their key to their prison. अच्छा गाइज, इसका आंसर आप और अच्छे से दीजिएगा। कैसे, जो आपको याद होगा जब मैंने NCERT में, जब मैंने आपको एक्सप्लेन कराया था ये वाला चैप्टर, उसमें मैंने लाइन टिक करवाई थी कि फ्रेंच सबसे लॉजिकल है ना। ये जो लाइन मैंने टिक कराया था आप लोग को जब चैप्टर समझाया था, जिसमें की टू देयर प्रिजन वाला वर्ड था, है ना। तो ये जो लाइन है जो NCERT की बुक में टिक करवाई थी, जिसका आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये अगर क्वेश्चन बनता है, आपके एग्जाम में आता है, तो ये लाइन का जो पोर्शन मैंने टिक करा हुआ है, ये ज़रूर से ज़रूर एज इट इज़ लिख कर आना है। मैंने अभी तक से आपको नहीं बोला कि लर्न करना क्या करना है, ये वाला पॉइंट आई वांट यू टू लर्न, ठीक है। दो चार बार प्रैक्टिस करो, छोटा सा लाइन है, हो जाएगा, लेकिन लिख कर आना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं कट कर पाएगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अपनी लैंग्वेज को सेव करो। दे गुड फाइट फॉर द लिबरेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो अपनी लिबर्टी के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए फाइट कर सकते हैं लोग। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सोच थी विव ला फ्रांस लिखने में, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस, वो क्या थी, ये क्वेश्चन यहाँ पे था। और इसका आंसर आप इस तरीके से दोगे, ठीक है। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अराउज्ड अ पर्टिकुलर जील इन द स्कूल। कॉमेंट, टॉकिंग न्यूज़ बता दूँ कि जर्मन पढ़ाई जाएगी। एटमोसफेयर पूरा पूरा कैसा हो गया था,
सलेम हो गया था, सोम्बर हो गया था, विलेजर्स को काफ़ी गिल्टी हो रही थी कि भाई उन्होंने अपनी मदर टंग को इग्नोर करा, ठीक है, और ये उनका लास्ट लेसन था। और ऑर्डर ने उन सबको सीरियस बना दिया इस बात से कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको अपनी लैंग्वेज को गार्ड करके रखना पड़ेगा। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं जो ऑर्डर आया था बर्लिन से, उस ऑर्डर ने लोगों के अंदर एक पर्टिकुलर जील डाल दी थी। वो जील किस तरीके से आई, तो यस, सारे लोग क्लासरूम में गए, पढ़ा उस दिन, सबने सिंसियरली उस दिन पढ़ा, काफ़ी अच्छे से चीज़ों को सीखने की कोशिश करी, और इस नोट पे एंड हुआ क्लास कि हम अपने जो लैंग्वेज है उसको कभी भूल नहीं सकते हैं। तो ये जील, ये इस तरीके से आप कह सकते हो आंसर में कि लास्ट में क्या हुआ कि सबके अंदर एक गिल्ट थी कि काश पढ़ लिया होता, सेकेंडली लोगों के अंदर था कि हमें अपनी लैंग्वेज को नहीं भूलना है, लैंग्वेज ही हमारी आइडेंटिटी है। तो इस तरीके से ये जो जील है लोगों के अंदर आई। आई होप यहाँ तक जो क्वेश्चंस हम लोग ने करे हैं अभी तक से समझ आए होंगे, नहीं समझ आए होंगे कोई भी क्वेश्चन का हिस्सा है, जैसे आंसर करने का है आपको क्वेश्चन की, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, पार्ट टू बहुत जल्द आएगा, उसके भी क्वेश्चन आपको ऐसे ही पढ़ने अच्छे से। ओके, और अगर आपको इन सारे चैप्टर्स का लिंक चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट 1। थैंक यू गाइस, टेक केयर।